हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, आप जिनसे डील करे हो, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हो, पॉसिबल है जो आपके बीच में जो गैप है वो 7 महीने का हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है, या फिर 1.5 साल का। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी फील हो रही है मुझे। ये आपको ना ऑब्जर्व बहुत करते हैं, मतलब एक स्पाइन की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, और या फिर ना दूर से ही कहीं आपको देख रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इस एनर्जी में ना इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जैसे कल तक इनको ऐसा लग रहा था ना कि आपके पास अप्रोच किया जाए, या फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, या आप ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए, कुछ तो है जो मतलब आपके पास आने से जैसे रोक रहा था आपकी वजह से, कि जैसे आप अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। ये स्पेशली एक फीलिंग थी। अभी ऐसा लग रहा है ना कि वो फीलिंग नहीं है उनको, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, उन्होंने ऐसा कुछ जाना है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है ना जैसे इनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप कहीं नहीं गए, आप इनके ही हो और इनके ही रहोगे। बहुत ही जल्द ना ये आपसे अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या लिटरली मिलने आ सकते हैं, क्योंकि ना कुछ तो है जैसे ना इनको लगता है कि आप अभी ना अप्रोचेबल हो। एक वक्त है कि जहाँ पे ना आपसे डर लग रहा था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जैसे चाहे ज़िंदगी में आप कितना भी बदलो, लेकिन इनके लिए जो प्यार है ना वो कभी नहीं बदलेगा। ये कितनी भी गलतियाँ करें लेकिन आप तो माफ़ करोगे ही, एक्सेप्ट करोगे ही, ऐसा जैसे ना कॉन्फिडेंस है इनको, वो जैसे फील हो रहा है उनको। पॉसिबल है कि इन्होंने किसी से मदद ली हो, कोई दोस्त हो, कोई जैसे यू नो टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो, या कहीं से भी कुछ तो है जहाँ से उनको एक जैसे ना ऑप्शन मिला है, रास्ता मिला है, उम्मीद मिली है। काफ़ी हद तक ऐसा है ना कि इनको अभी जिस बात का टेंशन है वो सबसे ज़्यादा चीज़ है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस लग रहा है, कि जिसने फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हें से ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियली कुछ अच्छा करने की कोशिश में है, सो दैट कि आपको अप्रोच करते वक्त इनकी हालात ऐसे नहीं रहे कि आपको क्या बताए। वे आपके सामने ना ऐसे शर्मिंदा होने की एनर्जी बहुत कम है, मतलब सी अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा होना ये बात अलग चीज़ है,
इनका वैसे भी ईगो हाई पे है और ये सब करने से डरते, मतलब ये सब चीज़ें जैसे ना उनसे होगी नहीं। हालांकि उनके जेस्चर्स, उनके हाव भाव ऐसे हो सकते हैं कि जो सॉरी फील कर रहे हैं उनको एहसास है गलती का, लेकिन सामने सामने से सॉरी बोलना जैसे ना इनको नहीं आता या उनके बस की बात नहीं, ऐसा वाला फील हो रहा है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एफ लेटर हो सकता है, जे लेटर हो सकता है इनके इनिशियल्स। पॉसिबल ये भी है कि इन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा हो या ऐसा कुछ ड्रीम्स देखा है जहाँ पे ना जैसे ऐसा लगा कि आपका यूनियन हो रहा है, आप दोनों का यूनियन हो रहा है और ये सपना इनका है, ये सपना इनका है और ये सपना इनको अचानक से आया है और इसीलिए जैसे ना उनको कुछ चीज़ें समझनी है कि जैसे ना उनको एक कॉन्फिडेंस आया हो कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा खास है, या तो फिर ऐसा है कि उनको आप दोनों की जो जर्नी है सोल जर्नी उस बारे में कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है। ऐसा लगता है ना ये चीज़ें अभी ना जैसे रेडी करने में बिजी हो रहे हैं, जैसे आपकी तरफ अगर अप्रोच करना है तो कैसे जाए, क्या पहने, क्या करे, आपके पसंद का क्या करें, जैसे ये अब ना आपकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहते, किस बात से आपको बुरा लगता है, किस बात से आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद क्या है, खाने में है, पहनने में है, चीज़ों में है, गिफ्ट में है, कैसे पसंद है, क्या पसंद है, हर चीज़ का जैसे ख्याल रखा जा रहा है, इस बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि अगर आपके पास है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ना गिफ्ट लेके जाए, आपकी पसंद की कोई चीज़ लेना चाहते हैं, गिफ्ट लेना चाहते हैं, या फिर कपड़े हो या फिर कोई चीज़ लाइक मे बी चॉकलेट्स और रोजेस। थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है तो सही, कुछ तो है जो आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया था, बट समाओ अभी इस चीज़ का ना उन्होंने लाइक ना टेंशन ही लेना छोड़ दिया है। हालांकि टेंशन की बात है, थर्ड पार्टी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है जैसे कि लीगल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है, बट पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि अगर आप साथ हो ना तो देख लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, बस हो जाएगा। इनको ऐसा लगता ना जैसे आप अगर हो ना तो लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको 222 एंजल नंबर बार बार दिख रहे हैं, 222 333। आपके बीच में जो कार्मिक साइकल्स है ना वो एंडिंग पे है, कार्मिक पैटर्न है वो एंडिंग पे है और पॉसिबल है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। स्नेक्स की एनर्जी है, स्नेक की पता नहीं क्यों लेकिन अभी ये आपको बहुत मानने लगे हैं, प्यार तो करते थे पहले से ही लेकिन इस प्यार को वो जो एक रिस्पेक्ट का एहसास था ना वो अभी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, अभी आप ज़्यादा अहम हो गए हो, लाइक इम्पॉर्टेंट वाली फीलिंग ज़्यादा है। आपका जो सपना है स्पेशली यूनियन का, ऐसा लगा कि इन्होंने वो सपना स्पेशली सुबह 3:30 या 4 o'clock के बीच का देखा हुआ है, जैसे सुबह का सपना सच होता है ना वैसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। काफ़ी दिनों से जो इंसान है ना एकदम टेंशन में नींद नहीं आ रही है, परेशान होते जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे वाला इंसान जैसे ना उस सपने के बाद जैसे खुश होकर उठा हो, जैसे उसे कोई सोल्यूशन मिल गया है, कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया हो।
जल्दी इनसे इनकी वापसी भी होगी और बहुत सही तरीके से होगी। आपकी बदले बदले अंदाज है ना, बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। हालांकि डरा भी रहे बट इंप्रेस करें उनको। एल लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जे है, एफ एम एम फॉर मंकी, और जैसे फील किया 3 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ कप, ब्यूटीफुल, द फूल, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे 111 की एनर्जी भी निकल के आई है एंड बॉटम डेक है 11, जस्टिस। तो जैसे फील हुआ ना कि एक न्याय है, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, एक कार्मिक पैटर्न था आपके बीच में, कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक फेज था, वो एंड होने के हैं। और वो काफ़ी अरसे का था, काफ़ी अरसे का था, इट्स वॉट नॉट शॉर्ट। और इस बीच में ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल की एनर्जी थी और ख़ास करके आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज था, क्योंकि इनके लिए वो जो फेज था ना, वो शुरू में या इनफैक्ट अभी तक भी वो एक सर्टेन टाइम के पहले तक ही उनके लिए बहुत अच्छा था। उनके लाइफ में तो सब कुछ हो रहा था, अच्छा खासा लाइफ चल रहा था। पॉसिबल है कि उनकी शादी भी हो चुकी थी या कहीं कमिटेड मैरिज, अच्छी जॉब लगना, कुछ भी, जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वो हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा था। लेकिन चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी हल्की बिगड़ने लगी हैं और ऑल ऑफ अ सडन जो टॉवर सिचुएशन फेस करने की वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, वो चीज़ें हैं। लेकिन आपकी तरफ जो जो पीरियड था, ये टाइम पीरियड जो सेपरेशन का था, जो कार्मिक पैटर्न का था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कह सकते हैं, बेकार था। शुरू में तो आपका मतलब हालत ख़राब था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी थी। धीरे 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 कैसे न कैसे कुछ न कुछ, जैसे ऊपर वाले ने ही जैसे सहारा दिया हो, आपने धीरे धीरे से सही अपने आप को संभाला, उसके बाद अपने आप को संभालने के बाद ग्रो किया है। आज इस स्टेज पे आप जब अगर थोड़े बहुत भी शांत हो तो स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो, और इसके लिए तो आप इनका इंतज़ार समझो ना, आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं इंतज़ार। आपका जैसे ना इंतज़ार, प्यार, इसके इस बात पे ना जैसे विश्वास ही उठ जाता है, बट समाओ वो जो प्यार है वो दिल से आप निकाल ही नहीं पाए। तो वो इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है, आप दोनों का कनेक्शन ही वैसा है, वाली चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे आपके साथ जो अन्याय हुआ था या फिर एक कार्मिक पैटर्न था, वो होना ही था। तो अभी जो एक रियलाइजेशन है कि क्या होना चाहिए, क्या गलती की है, क्या सुधरना चाहिए, ये हो रहा है। तो इनकी जो लाइफ में जो कर्जे हैं, कोई जो चीज़ें धोखे हैं, हर चीज़ें जो इसलिए हो रही है ना कि उनको पता चले कि लाइफ में एक्चुअली उन्हें कहाँ जाना है। फाइनली ये जो सर्कल है आपके बीच का, वो कंप्लीट है, मतलब घूम फिर के आप यहीं पे आ रहे हो, एक जगह जुड़ रहे हो, और ये यूनियन की एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत है इस सब का, प्यार की एक नई शुरुआत, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से एक नई शुरुआत है। और यूनियन की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना, 3 नंबर मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, 7 नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा था, तो यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।